महानगर के वार्ड संख्या 42 पुरदिलपुर के शांति कुंज परिसर में पार्षद मनु जायसवाल के नेतृत्व में भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह द्वारा गरीबों और असहायों को निःशुल्क कंबल का वितरण किया गया, जिसके संबंध में क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि अगर सोच अच्छी रहे तो हर चीज अच्छी होती है। ठंड से पहले असहायों और गरीबों को कंबल वितरण करना बहुत ही पुनीत कार्य है। उन्होंने कहा कि जरूरतमंदों को मदद पहुंचाना मनुष्य का सबसे बड़ा दायित्व होता है। इस अवसर पर नगर निगम के पूर्व उपसभापति सुरेंद्र जायसवाल, भाजपा के क्षेत्रीय महामंत्री विश्वजीत सिंह, हिंदू युवा वाहिनी के जिला प्रभारी आनंद साही, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, महानगर मंत्री रणविजय साहित सहित भाजपा के अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने कहा, उनको धन्यवाद देता हूं जो इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। साथ ही मैं अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष जी का एक माला से सर्वप्रथम अपने क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र जी से दो शब्द आशीर्वाद। उपाध्यक्ष रणविजय साहिब जी, इस मंडल के लोकप्रिय कर्मठ अध्यक्ष सिद्धांत घोष जी, इस मंडल के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित हमारी सभी मातृशक्ति स्वरूपा माताओं बहनों एवं मेरे क्रांतिकारी तबीयत के नौजवान भाइयों, ये बहुत पुनीत पावन पर्व है। जब भीषण ठंड पड़ती है तो लोग कंबल वितरण का कार्यक्रम, इस प्रकार के सेवा के काम करते हैं, लेकिन इसमें भी कोई होड़ मच जाए कि ठंड आने से पहले ही, यानी बीमारी आने से पहले ही उसका उपचार हो जाए, और उसमें गोरखपुर महानगर में मनु जायसवाल ने उस होड़ में सबसे पहला काम किया कि ठंड आने से पहले ही उन गरीबों को, उन लोगों को कंबल वितरण करने का काम शुरुआत की है। मैं मनु जायसवाल को हृदय से बधाई देना चाहता हूँ। और कभी कभी तो ऐसा लगता है कि व्यक्ति अपने कर्मों से जाना जाता है, अपने काम से। मैं शुरू शुरू में मनु जायसवाल को लगता था कि ये नेता है, ऐसा सेवा के काम है, गरीबों के काम नहीं करता। लेकिन मैं जब इस क्षेत्र में आना शुरू किया और मैंने देखा कि किस प्रकार से गरीबों के मकान बनाने का काम, अगर एक परिवार में चार भाई हैं तो उनमें आपस में संबंध ठीक नहीं है तो उनसे बातचीत करके 6 महीने तक लगातार चाय पीना जाना और उन सबको प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास दिला करके 2.5-2.5 लाख रुपए का आवास दिलवा करके उनको, उनके छप्पर को, उनके खपड़ेल को छत में बदलने का काम मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से कि मनु जायसवाल ने इस वार्ड में सर्वाधिक किया है, मैं इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ये सामुदायिक भवन, मैं जब सामुदायिक भवन बना, मनु जायसवाल ने बहुत प्रयत्न किया, इनके पिताजी ने, इन्होंने बहुत प्रयत्न किया माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से, और आज जब इस सामुदायिक भवन में किसी गरीब बेटी के हाथ पीले होते हैं, उनकी शादी होती है, छोटे छोटे मांगलिक कार्यक्रम होते हैं, तो लगता है कि एक कितना अच्छा सेवा का काम मनु जायसवाल ने इस क्षेत्र में किया है। सेवा के कार्य में अगर कोई होड़ लगाए, अगर कोई बीमारी होने के पहले ही उसका उपचार हो जाए तो ये सबसे बेहतर माना जाता है। और ठंड आने से पहले जिस प्रकार से मनु जायसवाल ने अपने क्षेत्र के गरीबों को कंबल वितरण करने का काम किया है, यह एक अनुकरणीय है, एक उदाहरण के योग्य है। और मैं मानता हूँ कि मनु जायसवाल एक सजग जनप्रतिनिधि के रूप में इस क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में जिस प्रकार से मुख्यमंत्री आवास या प्रधानमंत्री आवास या गरीबों को सरकार की अन्य योजनाओं को ज़मीन पर उतारने का काम किसी ने ठीक से किया है तो पार्षद मनु जायसवाल ने किया है।
और आज उसी के परिप्रेक्ष्य में ये इस क्षेत्र में गरीबों को ठंड आने से पहले ही कंबल वितरण करके वही काम कर रहे हैं।